वेलकम दोस्तों, AKHV इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको हाउ टू क्लीन द डक्ट, यानी डक्ट के क्लीनिंग कैसे करते हैं। आपने HVAC सिस्टम में जो भी देखते हैं कि मैक्सिमम हमारी डक्ट के थ्रू हमारा सप्लाई देते हैं, यहाँ से हमारा ये हमारा क्या होता है, वैक्यूम मशीन होते हैं जिससे हम ऑन करते हैं। और एक हमारा मशीन होता है एयर कंप्रेसर, जिससे हम एयर के कंप्रेसर से मदद से हम क्या प्रेशर करते हैं, जिससे हमारे जितने भी डक्ट में हमारी डस्ट होती है वो सारी डस्ट हमारे क्या होता है, क्लीन हो जाती है एयर का प्रेशर देने से। तो ये हमारा जो है वैक्यूम मशीन है, जहाँ से हम इसको क्या करते हैं, ऑन और ऑफ करते हैं। और एक हमारा मशीन होती है एयर कंप्रेसर, जो हमारा क्या करते हैं, एयर को प्रेशर बनाकर हमारे एयर को प्रेशर से हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, एयर प्रेशर मशीन है, जिसे हम एयर का प्रेशर देते हैं, जिससे हमारी जहाँ भी डक्ट में हमारी क्या होती है, डस्ट होती है, सारी डस्ट को हम प्रेशर, एयर का प्रेशर देकर हम क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। तो ये मशीन जो हमारा देख रहे हैं कि हमारा एयर का प्रेशर दिया जा रहा है डक्ट, इसमें हमारा जो डिफ्यूजर लगा रहता है हमारा डक्ट के, जहाँ से सप्लाई होती है या रिटर्न होता है, तो हम उस डिफ्यूजर में क्या करेंगे, एयर का प्रेशर देते हैं। ये जो फ्लेक्सिबल पाइप देख रहे हैं, उस फ्लेक्सिबल पाइप हमारा क्या होता है, जो भी हमारी डस्ट होती है वो डस्ट को क्या करता है, वैक्यूम मशीन हमारा क्या करता है, क्लीन करता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम टेक्निक भी यूज करते हैं कि हमारे फ्लेक्सिबल पाइप्स को क्या करते हैं, अपने डक्ट के अंदर क्या करते हैं, डाल देते हैं। जहाँ तक हम अंदर को डालेंगे, अंदर जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक आपको डालेंगे, फिर हम मशीन को ऑन करेंगे, तो हमारा क्या करता है, इस ब्रश की मदद से हमारा वाइब्रेशन से हमारा एयर से क्या होता है, हमारा जो ब्रश होती है वो ब्रश क्या करता है, राउंड घूमता है, और इस डक्ट के अंदर जितने भी हमारे कचरा हो, डस्ट हो, ये सारी क्या होते हैं, क्लीन होती है। और जो भी हमारी डस्ट क्लीन, कचरा क्लीन हो, वो हम वैक्यूम के मदद से क्या करते हैं, वैक्यूम के मशीन के मदद से हम क्या करते हैं, उसको बाहर खींच लेते हैं, जिससे हमारे जितने भी डक्ट के अंदर हमारी कचरा होती है वो क्या होती है, बाहर आ जाती है। ये सारे तरीके का हम टेक्निक यूज करते हैं जो हमारी डक्ट की क्लीनिंग में यूज होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं HVAC से संबंधित सारे वीडियो लेकर आता रहता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस डक्ट में आप देख सकते हैं कि हमारा राउंड वर्कर का डक्ट है, फ्लेक्सिबल है, जिसमें देख रहे हैं कितने डस्ट है। ये ऐसे ही डस्ट हमारे क्या होती है, डक्ट में पड़ी रहती है, जैसे 5 साल हो गया, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल भी हमारी डक्ट होती है जो कभी क्लीन नहीं होती है, तो हम उसको क्लीन करवाते हैं। तो ये सारी टेक्निक से हम क्या करते हैं, डक्ट के अंदर कभी जितने भी कचरा होती है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे टेक्निक की मदद से हम क्या करते हैं, उसको डक्ट को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। ये सारी टेक्निक हमारे HVAC सिस्टम में आती है, जिससे हमारे डक्ट को क्लीनिंग करने के मदद से हम डक्ट को क्लीन करते हैं। ये सारे प्रोसेस आप देख रहे हैं। अगर आप, मुझे उम्मीद है कि अगर आपने कभी देखा नहीं हो कि हाउ टू क्लीन द डक्ट, यानी डक्ट की क्लीनिंग कैसे करते हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस भी मालूम चल जाएगा और आपको ये भी मालूम चलेगा कैसे, किस प्रकार से हमारे डक्ट की क्लीनिंग होती है। कभी आपने नहीं अगर सोचा कि आखिर में इसके अंदर कैसे क्लीनिंग होते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये सारी टेक्निक होती है जितने कि हम क्या करते हैं, डक्ट के अंदर के सारी कचड़े को क्लीन करते हैं, या डस्ट जितने भी डस्ट होती है, तो सारी डस्ट को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे टेक्निक से यूज करके हम एयर कंप्रेसर, यानी एयर का प्रेशर देकर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन हमारे आती है, पाइपिंग, होस पाइपिंग, जिसको हम अंदर डालकर क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। आपका ब्रश टाइप का ही आता है, राउंड टाइप का, जिस तरह का हम टेक्निक का यूज करते हैं, और हमारे सारे क्या होती है, डस्ट के अंदर के क्लीन होकर हमारे जो वैक्यूम रहेगा, उस वैक्यूम से हमारी मदद से क्या होती है, हमारे वैक्यूम में अंदर आ जाती है सारी डस्ट है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डक्ट की क्लीनिंग करते हैं। ये हमारी जो है वैक्यूम मशीन है, जो आप होस पाइप देख रहे हैं फ्लेक्सिबल, ये हमारी क्या करती है, कचड़े को क्या करती है, सक करती है, सक के मतलब खींचती है अपने तरफ, यानी जितने भी डस्ट होगी वो बाहर ना आए, बरामदे में जितने भी लोग बैठे रहते हैं रूम में उनको दिक्कत ना हो, तो हम इस वैक्यूम की मदद से ये डस्ट हम क्या लगाते हैं, और जैसे ही हमारा डस्ट आते हैं वो डक्ट क्या है, हमारा ये वैक्यूम क्या करेगा, उसको सक कर लेगा, यानी अपने तरफ क्या करेगा, खींच लेगा, खींच कर अपने मशीन में रख लेगा। फिर हम उसको क्या करेंगे, मशीन के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर लगे रहते हैं इसके अंदर, मैं कभी और टाइम मिले ही रहेगा तो मैं इसके बारे में पूरा बताऊँगा आपको डिटेल्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।